हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो यूनिवर्सोपीडिया हिंदी और आज हम बात करेंगे दुनिया के पांच रहस्यमय स्ट्रक्चर्स के बारे में। दोस्तों, दुनिया में हजारों साल पुराने कई ढांचे ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति या निर्माण के बारे में किसी भी पुरातत्व विशेषज्ञ, इतिहासकार और वैज्ञानिक के पास कोई जवाब नहीं है। इन स्थानों के बारे में कई वर्षों तक यह जानने की कोशिश की गई कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन ये सवाल आज भी सवाल ही बने हुए हैं। तो आइए हम आपको ऐसे ही पांच रहस्यमय स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते हैं। फर्स्ट वन, मेक्सिको का टियाटिहुआकन शहर। टियाटिहुआकन शहर पिरामिडों की एक खंडहर सिटी है जो मेक्सिको सिटी के ठीक बाहरी इलाके में स्थित है। इस जगह का मूल नाम टियाटिहुआकन नहीं है, बल्कि इसकी खोजकर्ता एजटेक्स ने यह नाम इस जगह को दिया था। दरअसल टियाटिहुआकन का अर्थ होता है प्लेस ऑफ द गार्ड। एजटेक्स के अनुसार यह शहर मध्य युग में अचानक प्रकट हुआ। द पिरामिड ऑफ सन टियाटिहुआकन का सबसे बड़ा ढांचा है। अचानक 500 वर्ष पहले यह जगह खंडहर में बदल गई थी। हालांकि इसके अस्तित्व के बारे में कोई भी अन्य अवधारणा प्रचलित नहीं है, क्योंकि लिखित में भी इसके बारे में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इस बस्ती को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी समय यहाँ 25,000 लोग रहते होंगे। न्यूयॉर्क की तरह इसका निर्माण भी अर्बन ग्रिड सिस्टम से हुआ है। यहाँ एक पिरामिड के अंदर जितनी भी हड्डियाँ मिली हैं उससे पता चलता है कि यहाँ बड़ी संख्या में इंसानों का बलिदान हुआ होगा। यह स्ट्रक्चर आज भी रहस्य बना हुआ है। सेकंड, अजरक ओयासिस व्हील। सन 1927 में ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के पायलट मैट लैंड ने जब उड़ान पर थे तब उन्होंने पहिए के समान 82 फीट से 200 फीट व्यास की सैकड़ों आकृतियां देखी। ये विचित्र आकृतियां सीरिया से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब से आगे तक फैली हुई है। ये सारी आकृतियां पत्थरों से बनी हुई है। रेतीले इलाके में बनी इन आकृतियों के बारे में पुरातत्व वैज्ञानिकों का कहना है कि ये लगभग 2000 वर्ष से अधिक पुरानी है। लेकिन इन्हें किसने और क्यों बनाया, इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि क्या जमीन पर यह काम किसी दैत्य का है या फिर एलियन के लिए बनाए गए लॉन्च पैड हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इन आकृतियों के 45,000 एरियल फोटो लिए हैं। थर्ड, सी ऑफ गैलीली के अंदर विशाल चट्टान। सन 2003 से इजरायली पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिक इस विशाल चट्टान का रहस्य जानने में लगे हुए हैं। दरअसल यह चट्टान हजारों छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी है, जिसमें 200 फीट व्यास की एक आकृति बनी हुई है। इसकी ऊंचाई 39 फीट है और इस चट्टान का वजन 60,000 टन है, या स्टोन हेज से दोगुनी बड़ी और एफिल टावर से 6 गुना अधिक वजन वाली है। यह विशाल और प्राचीन समुद्री सतह है, लेकिन इसका निर्माण प्राकृतिक तरीके से नहीं हुआ है। माना जाता है कि इसका निर्माण प्राचीन युग में किया गया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह लगभग 2000 से 12000 वर्ष पुरानी हो सकती है। फोर्थ, भूतिया शहर नैन मडोल। टेमवेन द्वीप के पास यह हजारों वर्ष पुरानी खंडहर बस्ती है जहां कुछ ही लोग रहते हैं और वो भी नैन मडोल से बुरी तरह भयभीत है। माना जाता है कि यह जगह अभिशापित है। यहां आसपास में आपको एक भी जरूरी चीजें नहीं मिलेगी। यहां 200 एकड़ में 1000 से अधिक मानव निर्मित द्वीप हैं जो 8 लाख टन बिल्डिंग मटेरियल से बने हुए हैं। ये चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पत्थर पड़ोसी द्वीपों से आए होंगे। फिफ्थ, जियोसिक सर्किल एक मर्डर वैधशाला। जियोसिक जर्मनी का एक खंडहर है। यह जमीन के अंदर एक गोलाकार मैदान है जिसका व्यास 250 फीट है। इसे प्राचीन वैधशाला माना जा रहा है। जर्मनी के पुरातत्वविदों ने यहाँ 11 साल तक शोध किया,
लेकिन उन्हें इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल सकी। उनके अनुसार यह वैधशाला लगभग 7000 वर्ष पुरानी है। सन 2004 से सन 2005 में जियोसेक सर्किल को लकड़ियों के द्वारा पुनः बनाया गया तथा 21 दिसंबर 2005 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया। दोस्तों, तो ये थे 5 रहस्यमय ढांचे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।